नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी मॉडल पेपर 11 लेकर। दोस्तों यह है रीट परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर 11वां है। इससे पहले 10 हिंदी के मॉडल पेपर ले चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप निश्चित रूप से उन्हें भी देखिए। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न होंगे जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या उससे ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप मेरिट के लायक हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो में आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए, आपको कमेंट में जरूर बताकर जाना है और टेस्ट के बारे में अपनी राय भी देनी है। पहला प्रश्न है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा वह है वैचारिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वैचारिक। यहाँ पर वैचारिक सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, दबा के लाइक और शेयर करना है। प्रश्न नंबर 2 है, साहस शब्द है क्रिया विशेषण भाववाचक संज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है वाक्य में रेखांकित अंश है। यहाँ पर यह है रेखांकित है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो यह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्षीण शब्द का तद्भव रूप होगा छिन, छुरी, छीन, क्षति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 छिन, क्षीण का तद्भव रूप होगा छिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है प्रतिष्ठा, भलाई, जीवन, पूजा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 जीवन। यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो जीवन है, जीवन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी प्रतिष्ठा, भलाई और पूजा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है लोग, व्यक्ति, देश, संसार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 लोग। यहाँ पर जो लोग है वो बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वे लोग पूज्य हुए किस काल का बोधक है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्यकाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सामान्य भूतकाल, वे लोग पूज्य हुए सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, वाक्य में गुणों में सम्मिलित नहीं है लयबद्धता, सार्थकता, क्रमबद्धता, आकांक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 1 लयबद्धता। दोस्तों यहाँ पर जो है वाक्य के गुणों में लयबद्धता सम्मिलित नहीं है, जबकि सार्थकता, आकांक्षा, क्रमबद्धता ये तीनों ही वाक्य के गुणों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी 3, 2 और 1 विकल्प वाले मिश्र वाक्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, कविता ने कहा कि आज विद्यालय में अवकाश है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जब बारिश हो रही थी मैं घर में था तब बारिश हो रही थी। यहाँ पर ये जो वाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है, अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है, भोला भाला ज्ञानी कल्याणपरक होता है, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहता है, ये जो है लोकोक्ति का भावार्थ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, कार्य करने के बाद उसके बारे में जाँच करना अर्थ वाली कहावत है, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी पीकर जाती पहुँचना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पानी पीकर जाति पूछना। दोस्तों पानी पीकर जाति पूछना इसका मतलब होगा कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, जबकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत और सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, ये दोनों है, दोनों का मतलब होता है अवसर निकल जाने के बाद पछताना। तो विकल्प नंबर 3 सही होगा, पानी पीकर जाति पूछना यानी कार्य करने के बाद उसके बारे में विचार करना, जांच करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हिंदी शिक्षण की दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि, लेख विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, लेख विधि। हिंदी शिक्षण की दुर्बल मंद बुद्धि छात्रों के लिए जो विधि है उपयुक्त है वो लेख विधि है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछलापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, ये यहाँ तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, डाल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक, पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, माध्यमिक स्तर, सर्वाधिक उपयुक्त माध्यमिक स्तर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा स्वरूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण, व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, आनंद और अभिव्यक्ति, साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष्य और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, गृहित और सृजनात्मकता। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उससे अभ्यास कराया जाता है, ये कौन सी अध्यापन प्रणाली है? स्थूल अध्यापन प्रणाली, गहन अध्यापन प्रणाली, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली, व्यापक अध्यापन प्रणाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, अंतर्निहित शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, विसर्ग संधि। अंतर्निहित में विसर्ग संधि होगी, यहाँ पर दोस्तों इसका जो विच्छेद होगा वो होगा अंत प्लस निहित, अंत प्लस निहित, यहाँ पर ये विच्छेद होगा, विसर्ग का रे बन जाएगा और विसर्ग संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, मुरलीधर में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बहुव्रीहि। मुरलीधर मुरली को धारण करता है जो, वो कृष्ण के लिए आता है, बहुव्रीहि समास आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? भाव विह्वल, अलौकिकता, बिसात, मुरलीधर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अलौकिकता। लोक प्लस एक लौकिक बनेगा और उसमें ता प्रत्यय भी जोड़ेंगे तो लौकिकता बन जाएगा, अलौकिकता यहाँ पर है जिसमें दो प्रत्यय हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, यही गहरी एकाग्रता की स्थिति है, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखने पर रूप होगा। यही गहरी एकाग्रता की स्थिति रही थी, यही गहरी एकाग्रता की स्थिति रहती थी, यही गहरी एकाग्रता की स्थिति रहती होगी, यही गहरी एकाग्रता की स्थिति थी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, यही गहरी एकाग्रता की स्थिति थी, यह सामान्य भूतकाल में वाक्य बनेगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करना है। प्रश्न नंबर 23 है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य है मिश्र संयुक्त, संयुक्त मिश्र, मिश्र मिश्र, केवल मिश्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संयुक्त मिश्र। यहाँ पर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, संयुक्त मिश्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। यहाँ पर जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, विशेषण उपवाक्य आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? ढाक के 3 पात, तू डाल डाल, में पात पात,
तबेले की बला बंदर के सिर और चींटी के पर निकलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना जो है यह मुहावरा है। मुहावरों की पहचान यही है दोस्तों कि आखिर में जो होता है उसमें ज़्यादातर में ना आता है, ना करना, भरना, इस प्रकार से यहाँ आ रहा है चींटी के पर निकलना विकल्प नंबर चार होगा, लोकोक्ति नहीं है, मुहावरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। मुदालियर आयोग द्वारा, राधाकृष्णन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, मुदालियर आयोग द्वारा, सतत व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल मुदालियर आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, इकाई योजना का पद नहीं है, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा के आधार का कार्य करती है शब्द परिवर्तन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, गठन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, व्याकरण अनुवाद विधि, यहाँ पर मातृभाषा के आधार का कार्य करती है। चलिए दोस्तों अगला 29वां प्रश्न, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रयत्न, यहाँ पर आएगा दोस्तों प्रयत्न आएगा, यहाँ पर दोस्तों प्रयत्न आएगा, प्रयत्न लगाओ, 3, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रयत्न लगाओ और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, दोनों ही होंगे, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही होगा, 1 व 2 दोनों। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची है, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची है, रागिनी कालिंदी मनभावनी लता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, कालिंदी, यहाँ पर कालिंदी सही होगा, यमुना का पर्यायवाची होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।